एक स्टेप और बचा हुआ है, बस उसी को कवर करना है और फिर उसके बाद हम पहुंच जाएंगे टॉप पे एकदम। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं टॉप पे और संदीप अभी नीचे है सेल्फ। तो बाइक चलाना है, बाइक बल्कि रोड पे कहीं खड़ा कर दें, जिसको भी करना है एडवेंचर तो पैदल ही आए, पैदल आने के बाद पूरा एडवेंचर करें। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है फिर से नए ब्लॉग में। दोस्तों आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है जंगल के बीचों बीच से। ये देखिए पूरा जंगल ही जंगल है, ये जस्ट घर के पीछे ही हमारे है और जहाँ छठ पूजा होता था उसी जस्ट पीछे हम लोग हैं। और बस आज आए थे ऐसे ही सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए भी और ट्रैकिंग के लिए भी, तो हम ये तीन हैं। तो अभी चलना था उस पहाड़ पे, दिख तो नहीं रहा है, जंगल में है, पहाड़ तो दिख नहीं रहा है, अभी जाना था हमको पहाड़ पे बट रास्ता नहीं मिल रहा किधर जाया जाए, तो उसी रास्ते को खोया जा रहा है अभी और सही रास्ता नहीं मिल पा रहा कैसे जाया जाए। लग रहा है कि मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। मॉर्निंग वॉक तो हो जाएगा अच्छे से और ट्रैक कंप्लीट नहीं हो पाएगा, उस पहाड़ पे लग रहा है हम लोग जा नहीं पाएंगे। ये पहाड़ मेरे शॉप के जस्ट पीछे ही है, काफ़ी दिन से तुम लोग हैं यहाँ पे लेकिन कभी आए नहीं है, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। बस ऐसे ही घूमने का मन हो गया था सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे, क्योंकि मौसम भी अच्छा है, तो आज हम लोग निकल चुके हैं घूमने के लिए और ट्रैक पे निकले हुए हैं। देखिए कब तक मंजिल मिल जाती है। कितना अच्छा व्यू आ रहा है, इधर से चले जाएंगे यार, इधर से गाइस मंजिल मिल गया, लोगों रास्ता मिल गया है, इस रास्ते से जाना ऊपर तक। और संदीप हाँफने लगा भी थोड़ी स्ट्रेट चढ़ाई है इसके लिए हम लोग आ रहे हैं और यहाँ से अपना घर दिखाते हैं, बस इसके ऊपर चढ़ेंगे और घर दिखाते हैं, घर दिख रहा है अपना कि नहीं। चलिए तो ये रहा, हम लोग उस टॉप पे जाना है जो टॉप दिख रहा है, वहाँ तक तो जाना है अभी। चलिए पहुँच जाते थे आपको दिखाते हैं, पसीना पसीना तो हो गए हैं अभी, आधा रास्ता सफ़र किए हम लोग और अभी आधा चलना है। चलिए निकल रहे हैं यहाँ से हम लोग, आ गए अभी, इतना ऊपर जाना है हम लोग को और सांस फूलने लगा। और देखिए उधर बस्ती दिखने लगा है, ये देखिए बस्ती उधर दिखने लगी है। चलिए फटाक से ऊपर चलते हैं और वहाँ का व्यू दिखाते हैं आपको। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं टॉप पे और संदीप अभी नीचे है, जितना है उसके ऊपर एक और है बट वहाँ नहीं जाएंगे। अब यहाँ से आपको दिखाते हैं अपना व्यू, ये रहा व्यू और ये टावर दिख रहा है, टावर के पास ही अपना घर है। और ये देखिए कोल माइंस का कोल ट्रैक है, यहाँ पे लोडिंग पॉइंट है कोयले का। संदीप अभी नीचे है, चढ़ रहा है, हम आ गए हैं ऊपर, पूरा देखिए पसीना पसीना हो गया है एकदम, काफ़ी हाइट पे था ये, जितना आए हैं उतना और भी हाइट है बट उतना जाएंगे नहीं, यहीं से घूमेंगे फिर निकलेंगे घर के लिए। सो गाइस आप जितने भी जेसीबी और लोडर देख रहे हैं ये पूरा कोयला लोडिंग पॉइंट है और सब रेलवे ट्रैक पे, देखिए रेलवे के बॉगी में सब कोयला लोड हो रहा है। और अपना घर ये रहा इस पहाड़ के जस्ट आगे, अपना घर है, घर के पीछे ही है सब ये पहाड़ पूरा, यहाँ पर हम लोग आए ट्रैक करने। हाय गाइस देखिए ये चढ़े हैं एकदम पहाड़ी पे। हाय गाइस सो चढ़ने में पूरा हालत खराब हो गया है, और मजा ले रहे हैं सब लोग, ट्रैकिंग अच्छा रहा, पहाड़ पे आए हैं, फर्स्ट हम लोग की ट्रैकिंग रही है इस बार की, पहला बार चढ़े यार, हल तो पंचर हो गया है अभी, इतने साल हो गए कभी नहीं आए थे, आज मॉर्निंग वॉक पे हम लोग निकले थे, दिवाग जो ट्रैक भी कर लेते हैं तो ट्रैक पे भी हम लोग कर लिए। और संदीप बोला इस पहाड़ पे चलना है, अच्छे से व्यू लेना है,
देखते हैं, ट्राई करते हैं सक्सेस होता है कि नहीं। सो गाइस, एक स्टेप और बचा हुआ है, बस उसी को कवर करना है और फिर उसके बाद हम पहुंच जाएंगे टॉप पे एकदम। ये इतना है हाइट। इधर देखिए संदीप थक चुका है एकदम, डंडे का सहारा ले लिया है। और चलिए चलते हैं, अभी एनर्जी बचा हुआ है, एनर्जी डाउन हुआ नहीं है हम लोगों का। सो गाइज, हम लोग इसके ऊपर तक गए थे बट पूरा मंजिल तक नहीं जा पाए क्योंकि रास्ता क्लियर नहीं मिल रहा था, तो इसलिए हम नीचे आ गए क्योंकि टाइम भी हो रहा है, घर चलना है, तो हम लोग नीचे आ चुके हैं। अभी इसके नीचे और जाना है, अभी हम लोग भी एक हाइट पे और हैं और फिर उसके बाद निकलेंगे घर पे फटाक से क्योंकि 7 बजने वाले हैं, घर पर पहुँचना टाइम से। सब लोग वापस आ रहे हैं, हम तो नीचे आ गए हैं, संदीप और राकेश अभी ऊपर ही है क्योंकि एक रास्ता यही था जाने का और ऊपर ब्लॉक था, ब्लॉक क्या मतलब सही रास्ता नहीं था, स्लिप कर रहा था, तो हम लोग रिक्स नहीं लिए, नीचे आ गए। और अभी देखिए वो सब आ रहे हैं फंसे हुए कहीं, हम तो आराम से आ गए हैं नीचे। तो गाइस हम लोग नीचे आ गए हैं, 2 स्टेप आ चुके हैं नीचे, ये सेकेंड स्टेप है, वो फर्स्ट स्टेप था और थर्ड स्टेप अभी हम लोग उतरना है नीचे और वो रहा नर्सरी प्लांट का। तो चलिए फटाफट हम निकलते हैं अब क्योंकि एडवेंचरस ज़्यादा हो गया आज, कुछ ज़्यादा ही एडवेंचर हो गया और आज बादल था, मौसम ठंडा था इसलिए ज़्यादा पता नहीं चला, अगर धूप होता तो हालत ख़राब हो जाती। और काफ़ी अच्छा रहा, एक्सपीरियंस अच्छा रहा एडवेंचर का, बस ये था कि थोड़ा सा हम लोग का खेद है, कष्ट है कि टॉप तक नहीं जा पाए क्योंकि ट्रैक सही नहीं था और जाना उचित नहीं समझे, रिक्स लग रहा था इसलिए हम लोग रिक्स नहीं लिए, इसलिए वापस आ गए नीचे, नीचे कर रहे हैं। और काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, बट तकलीफ इस बात की है कि सबसे टॉप पे नहीं जा पाए हम लोग। कोई नहीं, फिर कभी ट्राई किया जाएगा, बट आज के लिए इतना काफ़ी था। अभी इतने नीचे जाना हम लोगों को। तो गाइज मैं दिखा रहा हूँ कहाँ तक गया था, जो आप देख रहे हैं टॉप, इस टॉप तक गए थे, बस 10 फीट और रहना लगा था कवर करना, बट रिक्स की वजह से हम लोग नहीं कवर किए क्योंकि स्लिप कर रहा था वहाँ पैर, तो हम लोग नीचे आ गए और अब चल रहे हैं घर पे, आ गए एकदम ग्राउंड फ्लोर पे आ गए हैं, एकदम ग्राउंड लेवल पे हम लोग। और देखिए कितने टॉप पे गए थे हम लोग, काफ़ी हाइट पे गए थे, तो चलिए अच्छे से आ गए नीचे हम लोग और घर जा रहे हैं। ये है रास्ता इसका, ट्रैक का एडवेंचर्स काफ़ी अच्छा रहा, एक्सपीरियंस मिला, कैसा रहा संदीप? बहुत अच्छा, बस खेद है उसी का ना, 10 फीट नहीं जा पाए, 10 फीट हम लोग नहीं जा पाए, बस उसी का खेद है। और अच्छा रहा, मतलब हम लोग अच्छा डिसीजन लिए कि नहीं गए वहाँ तक क्योंकि रिक्स था वहाँ पे, पैर स्लिप कर रहा था, ग्रिपिंग नहीं बन पा रहा था पैर का, किसी का ग्रिप नहीं बन पा रहा था, इस वजह से हम लोग रिक्स नहीं लिए, वापस आ गए, नहीं तो और अच्छा व्यू जाता ऊपर, एकदम ऊपर से तो और अच्छा व्यू आता, बट रिक्स नहीं लेना चाहिए था। तो गाइस ये है, हम लोग आ चुके हैं अभी जामुन के बगीचे में, पूरा ये जामुन का ही बगीचा है
और काफी अच्छे अच्छे अमरूद का है, आम का है, बड़े बड़े जामुन होते हैं इसमें। अभी हैं भी देखे से लोग कुछ बीन भी रहे हैं और काफी मीठा जामुन है यहाँ का, हम लोग खा भी चुके हैं यहाँ का कुछ दिन पहले ही। तो जस्ट इस पहाड़ के पीछे ही अपना घर है, तो चलिए निकलते हैं घर में फटाफट, क्योंकि टाइम हो गया है नहाने वहाने का और शॉप पे जाने का। तो आज का एडवेंचर्स काफ़ी अच्छा रहा। और देखिए ये हमने ले रखा है लिसोरे का फल, इसको बोलते हैं लिसोरे का फल, सुगंधी में बोलते। तो ये हमारे गांव पे दिखा था और आज दिख रहा है, ये काफ़ी सालों बाद देख रहे हैं इस फल को, लिसोरे का फल। तो गाइस मैं बता दूं आपको हम लोग कैसे गए थे, ये रास्ता है सीधा जाएंगे तो रेणुसार मोड़ निकलेंगे और एक इधर से जाएंगे तो हमारे दुकान के जस्ट बगल से गली है वहाँ निकलेंगे। और जस्ट देखिए यहाँ पे छठ पूजा होता था, तो अभी कचरा हो चुका है और जब भी छठ पूजा होता है तो पूरी अच्छी सफाई हो जाती है इसकी, अभी गंदा हो रखा है। छठ पूजा के टाइम पे पूरा ये साफ़ सुथरा हो जाता है, अच्छे से क्लीन हो जाता है, पूरा घास उस निकल जाता है, कचरा निकल जाता है, ये सब चबूतरा वगैरह सब साफ हो जाता है, पेंट हो जाता है। और ये रास्ता जाता है हमारे दुकान के बगल से एक गली है वहाँ निकलेगा रास्ता ये, और ये निकलेगा रास्ता अनुसार मोड़ पे। तो उधर से आएंगे बाइक वगैरह से तो इधर से आ सकते हैं, और सीधे जाइए बाइक खड़ा करेंगे तो आप जिम्मेदारी आपकी रहेगी और चोरी होने का सेल्फ। तो बाइक से ना है, बाइक बल्कि रोड पे कहीं खड़ा कर दें, जिसको भी करना है एडवेंचर तो पैदल ही आए, पैदल आने के बाद पूरा एडवेंचर करें, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। फिर अगर बाइक से वहाँ तक लेके जाएंगे तो फिर बाइक चोरी हो जाएगा, उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। तो बाइक सुना है, बाइक कहीं और यहाँ सेफ जगह खड़ा करके तब आए। और देखिए ये कि रास्ता ये रहा। सो गाइस फाइनली घर पे आ गए हैं, और जिस पहाड़ पे गए थे देखिए वो सामने दिख रहा है, उसी पहाड़ पे गए थे टॉप पे हम लोग, बस टॉप पे तो नहीं जा पाए थे, 10 फीट रह गया था। तो चलिए फाइनली घर पे आ गए, अब चलते हैं नहाने। तो गाइस ब्लॉग करते हैं पेंट, उम्मीद करते हैं आज का ये एडवेंचरस जो ब्लॉग था आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल पहली बार सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नए नए वीडियो के साथ, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो फटाफट से जाके जो जिसने भी मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तुरंत जाके सब्सक्राइब कर लें, और मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।